नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक लाइव कैप्चर्ड विद मुनमुन में आप सभी का स्वागत है। जो इस देश में है या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो आज से 9 दिन पहले तक मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी कुछ पर्सनल रीज़न के वजह से। तो ये है मेरा संडे का रूटीन, यानी कि कल का दिन मेरा कैसा गया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह उठते ही वही अपनी चाय पानी रहती है, हर कोई चाय के बिना नहीं रह सकता। तो मेरी तरह कौन कौन चाय लवर है कमेंट करके बताना ज़रूर। एक शायरी याद आ गई मुझे। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं काम कर रही हूँ और आज तो मेरा इतना बिजी डे था कि मुझे आज पूरा मतलब मॉर्निंग से लेके 12 बजे तक पूरा कुकिंग में चला गया। मतलब मैं 9 बजे किचन में आई थी और 9 बजे से कंप्लीट 12 बजे तक मेरा सुबह से लेके दोपहर तक काम कंटिन्यू चालू था। तो एक शायरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है ज़मीन पे घर खड़ा कर लेना, बहुत आसान है ज़मीन पे घर खड़ा कर लेना, ज़िंदगी गुजर जाती है दिल में घर बनाने के लिए। तो वैसे ही ज़िंदगी गुजर जाती है अच्छा खाना सबों को खिलाने में। तो क्योंकि सबका जो दिल होता है ना, अगर आपको किसी को जीतना है, किसी को इम्प्रेस करना है, तो खाना जितना आप टेस्टी बनाओगे ना, उतना ही आप लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना सकते हो। तो मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि मैं अच्छा खाना बनाऊं, टेस्टी खाना बनाऊं और सबको पसंद आए और सब लोग वाह वाह तारीफ करें। तो वैसे ही सुबह से मैं लग गई थी काम में, चाय पीते पीते सब्जी भी कट कर ली थी और कुछ सब्जियां साथ के साथ कट करते हुए जा रही थी और एक एक करके सब्जियां बनती जा रही हैं और रखती जा रही हूँ साइड में। तो एक सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने बनाया था आलू परवल की सब्जी, अब बना रही हूँ मैं चावल फ्राई। ये रात के कुछ चावल बच गए थे, मतलब बच क्या गए थे, किसी ने खाए नहीं थे। ऐसा होता है ना अक्सर कि कोई स्किप कर देता है, नहीं खाता, फिर रह जाता है। तो वैसे ही चावल थोड़े बच गए। अब मैंने सोचा क्यों ना इसको सुबह एक तड़का दे दिया जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लहसुन वाला जो चावल फ्राई होता है, घी में छौंका लगा के जीरा वगैरह डाल के एक सिंपल सा चावल फ्राई बना दिया और काफ़ी टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है। आप इसके ऊपर अलग से फरसान वगैरह डाल के खाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर मैक्सिमम इस तरीके से भी खाया तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं कर रही हूँ तैयारी पनीर और मटर की सब्जी की। तो आज मेरे घर में जो खाना बन रहा है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा बन रहा है। मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके जो फ्रेंड हैं, उनके घर में भी खाना जाएगा। प्लस मैं आपको पहले भी एक दो वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, मेरी जो बिल्डिंग में ही फ्रेंड रहती है उसके भी घर में खाना जाने वाला है। तो इसी वजह से आज थोड़ी क्वांटिटी ना ज़्यादा हो रही है मेरे घर में खाने की। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पनीर और मटर की, वो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा बना रही हूँ ताकि जो पनीर की सब्जी है वो थोड़ा शाम को भी मेरा चल जाए, क्योंकि शाम को आज थोड़ा सा मैं बिज़ी होने वाली हूँ। इसी वजह से मैं दोनों टाइम की सब्जी बनाकर रख रही हूँ। और जो मैं और दो सूखी सब्जी बनाऊँगी वो तो मैं दोपहर में ही ख़त्म हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है, पर पनीर की थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो कुछ इस तरीके से मैं पनीर और मटर की सब्जी बना रही हूँ। जैसे मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ पनीर की सब्जी, वैसे ही प्रोसेस से मैं बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती है, यम्मी लगती है।
और बस यहाँ पर थोड़ा सा जो मसाला है वो थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा बना रही हूँ और बर्तन भी बहुत बड़ा लेने वाली हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मेरे घर में दावत हो रही है, समझ लीजिए दावत ही हो रही है। तो कुछ इस तरीके से खाना बनाते जा रही हूँ और बस अपना रूटीन, संडे रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक मैंने ना कहीं पे पढ़ा था कि अभी जस्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे एक ये जो मेरा पनीर बना रही हूँ ना, तो वो बर्तन देख के याद आया कि कई लोगों के पास ना खाना ना होने से उसे मरते हुए मैंने देखा है। कई लोगों के पास खाना ना होने से उसे मरते हुए मैंने देखा है। शादियों और पार्टियों और ना जाने कहां कहां खाना बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। ये एक शायरी मैंने कहीं तो भी पढ़ी थी और काफ़ी मतलब दिल छू गई थी कि हम लोग देखो अक्सर खाना तो बना लेते हैं पर कभी कभी खाना इतना बन जाता है कि हम उसे वेस्ट मतलब ख़राब हो जाता है तो फेंक देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है खाना उतना ही इंसान को बनाना चाहिए जितनी उसको ज़रूरत है, जितना वो खा सकता है या खिला सकता है। तो हर एक जो गृहिणी होती है, होम मेकर होती है, वो अगर कायदे से और नियम से हर चीज़ को मैनेज करके चले तो वो दो पैसे भी बचा सकती है और खाना बर्बाद भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए, खाना उतना ही रोज़ हम बनाएं जितना हम खा सकते हैं। कभी कब अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो दूसरे दिन उसको कैसे इस्तेमाल कर सकें उस खाने को, वो भी पहले से सोच के उसे रखना चाहिए। तो चलिए जी, बात करते करते मेरा पूरा खाना बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं थाली जो है एक परोस रही हूँ और परोसने के बाद ये जाएगी एक थाली, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो हैं उनके घर में जाएगी और फिर दूसरी भी थाली रेडी करूँगी। फिर मेरे घर के मेंबर, जैसे कि आज संडे है, हस्बैंड घर पर है, बेटा घर पर है, तो सब अभी सबको खाना खिलाना सब करना, ऐसा करते करते पूरा टाइम संडे मेरा चला जाएगा दोपहर तक। लेकिन ये सारी प्लानिंग अगर आप एक दिन पहले करके रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबों को खाना देने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और किचन की साफ़ सफाई करके मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी इस किचन को समेटना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जैसे ही खाना बन जाता है और साथ के साथ काउंटर को साफ करना, बर्तन लगाना या धोना, जो भी चीज़ें होती हैं अगर उसे साथ के साथ निपटा लिया जाए ना, तो पीछे ये हमारे काम जो है वो पेंडिंग नहीं पड़े रहते। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है कि खाना होते ही सब कुछ क्लीन हो जाए और मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बर्तन वगैरह सब धोकर नहाने चली जाऊंगी। तो ये था मेरा एक संडे का छोटा सा ब्लॉग, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।